दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग और कमाल की इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस स्मार्ट वॉच की। यह है ज़ेवरोनिक्स की तरफ से आने वाले उनकी ज़ेवफिट 1220 CH। करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे कि ये जो वॉच है 2500 रुपये के बजट के अंदर कितनी सक्सेसफुल है या फिर कितनी इम्पैक्ट डालती है अगर आप इस बजट के अंदर कोई वॉच खरीद रहे हो। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देखते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो वॉच है कैसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों कर लेते हैं इस बॉक्स की जल्दी से अनबॉक्सिंग और फिर देखते हैं कि यहाँ पर आपको जो कंटेंट है क्या मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बॉक्स के ऊपर जो फीचर्स हैं वो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लड प्रेशर, SpO2, IP67 की रेटिंग, यहाँ पर आपको फुल टच और कस्टमाइजेबल जो वॉच फेसेस है उसका ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हार्ट रेट का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी और भी काफ़ी सारे जो फंक्शंस हैं उनकी बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम एक नज़र मारते हैं तो जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्टेप काउंटर, उसके बाद कैलोरी बर्न और डिस्टेंस ट्रैकर, स्लीप मॉनिटरिंग, कॉलर आईडी और उसके बाद कॉल रिजेक्ट, अलार्म क्लॉक, सेंडेटरी रिमाइंडर और उसके बाद रिमोट कैमरा, शटर और म्यूजिक कंट्रोल का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्स करते हैं पहले और फिर देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर में जो कॉन्टेंट है वो क्या मिलेगा। वैसे मैं बता दूं कि अनबॉक्स मैंने पहले ही कर ली थी और यहाँ पर लगभग मैं 5-6 दिन से इसको यूज़ भी कर रहा हूँ। लगभग वीक हो गया है मुझे यूज़ करते हुए और यहाँ पर सब कुछ आपको ऑन दिखेगा और बैटरी भी चार्ज देखने को मिलेगी। लेकिन हमें ये दिखाना है कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल गाइड देखने को मिलेगा और इसके साथ में यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक चार्जर मिल जाएगा जहाँ पर आपकी जो वॉच है वो कुछ इस तरीके से रख जाएगी जब आप चार्ज करोगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से चार्ज हो जाता है जब आप ऐसे चार्ज करते हो। तो इन चीज़ों को साइड में रखते हैं। तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके ग्लास की। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले के ऊपर जो ग्लास है वो थोड़ा सा कर्व मिलता है, यानी कि डिस्प्ले आपको कर्व मिलती है, ग्लास कर्व नहीं है। यहाँ पर आपको डिस्प्ले थोड़ी सी कर्व आपको देखने मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको एल्युमिनियम जैसी कुछ फिनिशिंग आपको देखने मिलती है। साइड में एक बटन दिया हुआ है और पीछे की तरफ आपको जेट ब्लैक शाइनी और ज़ेवरोनिक्स की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने मिलती है। सारे सेंसर यहाँ पर हैं और आपकी जो चार्जिंग है कुछ यहाँ से होने वाली है। बैंड की जो क्वालिटी या फिर स्ट्रैप की जो क्वालिटी है अच्छी मिल जाती है और थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश की है जब आप इसे अपनी कलाई पे बांधोगे। इसके बाद अगर बात करूँ चार्जिंग डॉक की तो उसकी जो क्वालिटी है मैं कहूँगा एवरेज है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। एवरेज क्वालिटी की आपको देखने को मिल जाती है। और इसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि मुझे लगभग 5-6 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए यूज़ करते हो और यहाँ पर जो स्क्रैचेस वगैरह हैं वो आप देख सकते हो, कुछ ये वाले जो स्क्रैचेस हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्क्रैचेस मुझे अभी तक किसी वॉच में नहीं देखने को मिलते, इतनी सारी वॉच मैंने यूज़ कर ली है लेकिन इस वॉच के अंदर मुझे स्क्रैचेस देखने को मिल गए। इसके साथ साथ अगर फीचर्स की और मैं बात करूँ थोड़ी सी तो यहाँ पर जो बैटरी है लगभग 200 mAh की मिलती है और जिसको चार्ज होने में लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। और अगर मैं बैटरी आउटपुट की बात करूँ तो 7 दिन के अंदर मैंने जो यूज़ की है उसके अंदर मुझे पता लगा कि लगभग 4-5 दिन की जो बैटरी है वो चल जाती है, आप जैसे मर्जी यूज़ कर लो। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर वॉच के अंदर आपको जो फीचर हैं वो कौन कौन से देखने को मिल जाएंगे तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर की तरफ करते हो तो आपको कंट्रोल पैनल खुल जाता है और बाकी दोस्तों इस तरफ जाओगे तो आपको स्टेप्स देखने को मिल जाएंगे, बीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके साथ साथ हार्ट रेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और उसके साथ साथ एक्सरसाइज के जो मोड्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 7 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे और बैक जाने के लिए ये वाला बटन काम आएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर वेदर का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है और यहाँ पर आपको म्यूज़िक कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है वो ख़त्म हो जाती है। इसके साथ अगर बात करूँ यहाँ पर आपको सारे मेन्यू यहाँ पर देखने मिलते हैं और उसका थोड़ा सा OS आपको एप्पल वॉच की तरह लग सकता है, कुछ कुछ कॉपी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके साथ अगर बात करूँ तो यहाँ पर आप किसी भी मैं कहूँगा आइकन को प्रेस करके उसमें जा सकते हो और यहाँ पर ये वाले जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर मेन्यू की बात करूँ तो आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको स्टेप्स, स्लीप, मेजर HR यानी कि हार्ट रेट और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स और यहाँ पर आपको BP का ऑप्शन मिल जाता है, SpO2 का ऑप्शन मिल जाता है, मैसेजेस, वेदर, शटर कंट्रोल, प्लेयर यानी कि म्यूजिक प्लेयर और ब्रीथ का जो ऑप्शन है, फ्लैशलाइट का भी ऑप्शन है और मैं कहूँगा फ्लैशलाइट यहाँ पर आपको बहुत अंधेरे में ही थोड़ी बहुत काम आती है। बाकी अदर्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टॉपवॉच, अलार्म, काउंटडाउन और ब्राइटनेस, वाइब्रेशन मोड
और थिएटर मोड का ऑप्शन मिल जाता है और रिसेट, पावर ऑफ और अबाउट का जो ऑप्शन है मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको ऐप QR कोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि स्कैन करके भी आप इससे पेयर कर सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कुछ और फंक्शंस की, जैसे कि यहाँ पर आपको जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग है काफी एक्यूरेट मिल जाती है। इसके साथ यहाँ पर आप BP को भी चेक कर सकते हो। SpO2 का फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिला है, जो कहूंगा कि एक्यूरेट ढंग से काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको जो स्पोर्ट्स मोड है वो सिर्फ और सिर्फ 7 मिलते हैं। मुझे लगता है कि एक दो स्पोर्ट्स मोड और होना चाहिए था, जैसे कि यहाँ पर आपको फ्री वर्कआउट जैसा जो मोड होता है जहाँ पर आपकी बॉडी कुछ भी काम परफॉर्म करती है, तो वो चीज़ मैं कहूँगा कि ट्रैक कर सकती थी वॉच। अगर ऐसा ऑप्शन होता तो काफ़ी बढ़िया होता। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको अलार्म का भी ऑप्शन मिल जाता है, या फिर वाइब्रेशन मोड का जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी कारगर है। जब आप अलार्म को सेट करते हो तो उसका जो अलार्म है आपको ही उठाएगा, दूसरे इंसान को नहीं उठाएगा जब आप इसमें अलार्म को सेट करोगे। इसके बाद अगर मैं वॉच फेसेस की बात करूँ तो उनको चेंज करने के लिए आपको जो ऐप है वहाँ से ही चेंज कर सकते हो, जहाँ पर आपको कस्टमाइज का भी ऑप्शन मिल जाता है और जो इसके प्री डाउनलोड हैं वहाँ से भी आप इनको ऑपरेट या फिर लगा सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। इसके साथ अगर बात करूँ कि ब्राइटनेस लेवल की, तो यहाँ पर मैं कहूँगा इनडोर के अंदर तो काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करती है, बाकी अगर आप बाहर जाते हो तो वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको हाथ को इस तरीके से रखना पड़ेगा या फिर किसी का सहारा लेना पड़ेगा, शेड लेने पड़ेगी, तो जाके आपको जो डिस्प्ले है वो ज़्यादातर विजिबल हो पाएगी। बाकी यहाँ पर आपको थिएटर मोड मिल जाता है अगर आप किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ज़्यादा ब्राइटनेस नहीं है और लाइट ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर आप उस मोड को एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे आपकी जो बैटरी है थोड़ी सी कम खर्च होगी। अब दोस्तों लगभग मैं इसे यूज़ कर चुका हूँ, मतलब 7 दिन तो यूज़ कर ही चुका हूँ, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है इसके बारे में, अगर मतलब 2,500 रुपये के आसपास कोई वॉच देख रहे हो तो बिल्कुल इस वॉच में वो सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो आप इस बजट रेंज की वॉच के अंदर देख रहे हो। बाकी यहाँ पर अगर एक दो चीज़ें और बेटर हो जाती, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं कहूँगा डिस्प्ले की क्वालिटी, जैसे स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए इसके ऊपर वो नहीं पड़ते, या फिर इसके अंदर आपको मैं कहूँगा कि ट्रैकिंग के लिए स्पोर्ट्स मोड की जगह आपको 10 स्पोर्ट्स मोड मिलते तो और ज़्यादा बेटर हो जाता, ये थोड़ी सी चीज़ है। और बाकी थोड़ा सा जो मैं कहूँगा ब्राइटनेस और थोड़ी सी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है आउटडोर के अंदर, अगर आप ढंग से यूज़ कर पाओ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कारगर आपको देखने को मिल जाएगी ये वाली वॉच। बाकी जिस प्राइस रेंज के अंदर आती है उस प्राइस रेंज के अंदर और भी कोई ऐसी वॉच नहीं है जो ये सारे जो फीचर्स हैं वो आपको प्रोवाइड कराते। तो दोस्तों ये थी कहानी 1220 CH की, काफ़ी ठीक है अगर आप इस प्राइस रेंज के अंदर देख रहे हो, बाकी एक दो ऑप्शन और थे तो काफ़ी बढ़िया हो जाता। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।